गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मनीष योर कंप्यूटर टीचर। आज मैं क्लास एट कंप्यूटर का चैप्टर टू पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर टू में हम लोग पेज नंबर 19 को देखेंगे। पेज नंबर 19 में ड्राइव के बारे में बताया गया है, हम लोग ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हार्ड डिस्क को कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है डिवाइस विथ रिमूवेबल स्टोरेज, जिसका मतलब होता है कि कंप्यूटर में हम अलग से जो पेन ड्राइव लगाते हैं, जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं, उसको कैसे एक्सेस करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा सेकेंड टॉपिक है रिसाइकल बिन, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन नाम का एक फोल्डर होता है, वह क्या होता है, उसके क्या फीचर्स है, उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में जानेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग अ पीसेस टाइम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव के बारे में। देखिए, ड्राइव को एक्सेस करने के लिए जो है माई कंप्यूटर नाम का एक फोल्डर होता है जो डेस्कटॉप पे होता है, उसको ओपन करना होता है। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा और वहाँ से जो एक फाइल खुलेगा, ऐसा वाला फाइल खुलेगा जिसमें यहाँ पे जो है ड्राइव सी, ड्राइव टी, ड्राइव ई, ड्राइव एफ, ये बेसिकली जो है हार्ड डिस्क को जो है यहाँ पे शो किया जाता है। और हार्ड डिस्क में हम जो भी फाइल्स वगैरह स्टोर करते हैं उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप माई कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करना होगा, इसे ओपन करना होगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो एक फाइल खुलेगा जिसमें ड्राइव टी, ड्राइव ई, ड्राइव एफ दिया रहेगा। उसको ओपन करने से जो है हम हार्ड डिस्क को ओपन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस विथ रिमूवेबल स्टोरेज। कंप्यूटर में जो चीज़ हम अलग से इंसर्ट करते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, हम उनको कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए डिवाइस विथ रिमूवेबल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए जो है हमें सबसे पहले माई कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करना होगा जो डेस्कटॉप पे मौजूद होता है। डबल क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे में, अगर आप ड्राइव को इंसर्ट किए हुए हैं, मीन्स अगर आपने पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंसर्ट कर रखा है, तो ये ऐसा फाइल खुलेगा और यहाँ पर जो है आपको शो करेगा आपका रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यहाँ से जो है आप पेन ड्राइव को और मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन बहुत ही बढ़िया फीचर्स होता है कंप्यूटर का और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, रिसाइकल बिन क्या होता है। रिसाइकल बिन डस्टबिन की तरह होता है। जैसे हम लोग घर में डस्टबिन का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन होता है। तो आई होप आप सब लोग को पता होगा कि रिसाइकल बिन जो है किसको कहते हैं और डस्टबिन का क्या यूज़ होता है। कंप्यूटर में बाय चांस अगर हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं या गलती से डिलीट हो जाता है, तो वो जो है फर्स्ट रिसाइकल बिन में जाता है। उसके बाद जो है हम रिसाइकल बिन से चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा नेसेसरी फाइल्स या फोल्डर डिलीट हो गया है, तो हम उनको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये रिसाइकल बिन का फीचर्स होता है। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। देखिए, डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं इसको समझना है। डॉक्यूमेंट्स होता है जो रिटन थिंग्स होता है उसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे हमने वर्डपैड खोलने के बाद जो है वहाँ पे हमने माई सेल्फ लिखा, अपने बारे में जो है 10 लाइन लिखा और उसको सेव कर दिया कंप्यूटर में, तो इसको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है या ब्राउज़र है जो इंटरनेट को ब्राउज करता है, मीन्स हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन है बट हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर। बिना इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से जो है इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। हमें कोई भी वेबसाइट खोलनी होगी, फेसबुक खोलना होगा, व्हाट्सएप खोलना होगा, एनी वेबसाइट जब हमें ओपन करना होगा तो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये वेबसाइट को ओपन करता है और वहाँ से जो है हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, तो हमें इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। वैसे ब्राउज़र के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सभी जो है ब्राउज़र्स के एग्जांपल है और हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। थैंक यू सो मच।